क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सैबू। सैबू, अच्छा, कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? अरे हमारे दादा बाबा करते थे, अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धोबी हैं, हिंदू धोबी नहीं है? है, बाजू में है उधर, साउथ एरिया में। अच्छा, सरकार नौकरी वोकरी देती है? तुम्हारी जाति में कुछ है सरकारी नौकरी में? बहुत कम। बहुत कम। हिंदू धोबियों में है नौकरी में? नौकरी में है, हिंदू कम है, ज़्यादा है? मतलब मुस्लिम से ज़्यादा है, मुस्लिम धोबी से ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मेन भाई ऐसा है कि मुस्लिम धोबी में जो है पढ़ते लिखते बहुत कम है ना। क्यों, तो मुसलमान गंदे रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, ये सही बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे लोग के काम में लगा देते हैं। अच्छा, हिंदू तो भी नहीं लगाते? अरे वो भी लगाते हैं, अगर पढ़ने लिखने में लगा दिए, पढ़ने लिखने लगे। यहाँ से इलेक्शन कौन जीत रहा है? अब इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो तुम किसको वोट देते हो? हम आज तक वोट दिए ही नहीं, आज तक वोट दिए ही नहीं। अब दोगे? अरे अब देखा जाएगा। फिर भी एक अंदाजा बताओ। कभी वोट देने गए नहीं, क्या बताएं? का है, क्यों नहीं देते वोट? रिकॉर्ड हो रहा है, मोहम्मद कैब भाई इधर से खड़े हैं ना, तो उनको वोट देंगे? कांग्रेस के सदस्य हैं यार, इधर भी ले लेंगे, ये हमारे भाई हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, पूरा कार्ड है। अच्छा, तो आप किसको वोट देने वाले हो? सो बताया नहीं आपने। कैब भाई को देना, बता रहे हैं ना हमारे जी। नाम क्या है आपका? सिराज अहमद। सिराज अहमद जी, आप भी धोबी हो जी? और किस पार्टी के मेंबर हो? कांग्रेस का। कांग्रेस का जी, कांग्रेस हमारे उत्तम कार्ड में लिखा। अच्छा, नेशनल कांग्रेस जी, अब उसमें तो यही लिखा। तो कांग्रेस ने क्या किया आपके लिए, क्यों मेंबर बने आप कांग्रेस के, बीजेपी के क्यों नहीं बन जाते? जी ऐसा है कि हमारे आजी लोग जो थी हैं, आजी लोग जो थी हाँ, आजी आजी हाँ, वो सब ये बताती थी कि कांग्रेस के कमानों में इतनी स्थाई थी कि वो है, अब क्या बताएं आपसे। और आपके माने में आप देख ही रहे हैं कितनी, तो दिल्ली में तो सरकार कांग्रेस की है जी। पूरे देश में सरकार जो है वो तो कांग्रेस की है, तो महंगाई तो कांग्रेस ही बढ़ा रही है ना। जो यहाँ कितने घर धोबी हैं, मुस्लिम धोबी? तीन साढ़े तीन घर है मुस्लिम धोबी जी। हिंदू धोबी कितने हैं यहाँ? हिंदू एक घर में नवजिया जिसको बोलते हैं, नवजिया धोबी वो यहाँ पर है जी। मैंने यहाँ पर जो है हवारी बिरादर, हवारी बिरादर के मतलब होते हैं मुसलमान जी। सो यहाँ हिंदू धोबी जो हैं या मुस्लिम धोबी जो हैं, उनमें ज़्यादा नौकरी में कौन लोग हैं? कोई नहीं है, एक घर धोबी नहीं है नौकरी हिंदू में, नवजिया में है। अच्छा, लेकिन वो अभी सुराव के अंदर एक घर नहीं है। नहीं नहीं, सुराव में मत हो, आसपास में होगा ना। हाँ, ऐसे यहाँ एरिया है, धामापुर है, अय्या है, कृपालपुर है। हाँ, तो आसपास में जो भी इलाका है, उस इलाके की बात कर रहे हैं गांव। हिंदू लोग तो इतने हैं कि अभी, तो मुसलमान को नौकरी क्यों नहीं मिलती जी? वो सब बोलते हैं आप लोग ऊँची जात में है, ऊंची जात में है आप, हम लोगों का ऊंची धोबी जो है ऊंची जात में, मुसलमान धोबी जी।
और हिंदू धोबी वो सब है तो नीची जात में ऐसी ही दुकान तो होती है उनकी भी अरे दुकान ऐसे ही होती है धुलाई वैसे ही होती है सारा काम वैसे मुसलमान कौन कौन जाते हैं यहाँ पे मुसलमानों की कौन कौन जाते हैं इस एरिया में मुसलमान इस एरिया में सब जाते हैं सब जी आप क्या कह रहे हैं अरे किरादा रहे मुसलमान में अरे कौन कौन धोबी कि जब भी इलेक्शन होता है सिर्फ जीत हार दो ही जात से होता है अच्छा धोबी कीर चाहे धानी हो या कुछ भी हो ये जो मुस्तफा जब अभी कांग्रेस का यहाँ प्रोग्राम है आज हाँ आज तो है अभी हमने सरकारी अस्पताल के एक आईटी जो आजाद निशा मेडिकल स्टोर के बगल में अभी हमने वहाँ से होकर के आ रहे चलो।